Good morning to all of you children. Myself, MJ Raji, PGT Maths, JNV, Shankar Nagar. आज मैं यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वो एग्जाम्पल आप देखेंगे, ठीक है। तो हमारे कुछ एग्जाम्पल हो गए थे एक्सरसाइज 2.1 के, तो यहाँ पर आगे कुछ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें दिया है देखो, कॉस इनवर्स माइनस हाफ, इसको हम सॉल्व करेंगे। लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस हाफ, तो अगर कॉस इनवर्स माइनस हाफ आता है तो ये जो है कॉस इधर ले लेगा, कॉस y इधर ले लेंगे हम, तो ये हो गया कॉस y इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो ये जो माइनस है इसको पहले इसको क्या करेंगे, कॉस माइनस अगर है तो हम पाई माइनस करेंगे इसको, पाई माइनस हाफ कितना होता है वो देखना, कॉस हाफ पाई बाय 3, ठीक है। कॉस पाई बाय 3 इज इक्वल टू कॉस 60 इज इक्वल टू हाफ हो जाता है, इसलिए पाई माइनस पाई बाय 3, तो ये हो जाएगा कॉस 3 पाई माइनस पाई बाय 3, तो ये बन जाएगा कॉस 2 पाई बाय 3। ऐसा में ये ऐसा क्यों लिया मैंने, बिकॉज कॉस पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, ऐसा होता है, तो निगेटिव आ रहा है ना एंगल निगेटिव है, तो पाई माइनस करके इसको हम ले लेंगे, तो वाई इज इक्वल टू 2π/3, वाई इज इक्वल टू 2π/3, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू के वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू कॉस इनवर्स की माइनस π/2 2π/2, इसके बीच में है ये वैल्यूज, तो 2π/3 बोले तो ये 60 × 2 120 डिग्री हो गया है ना, 120 कॉस है नहीं क्या, कॉस सॉरी कॉस है, तो यहाँ पे आएगा 0 to π बोले तो 180, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन अपना हो गया। फिर हम इसके आगे हम दूसरा देखेंगे, वो है 6th क्वेश्चन, tan इनवर्स माइनस, ठीक है, tan इनवर्स माइनस, तो लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स माइनस 1, तो tan इधर ले लीजिए, tan y इज इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस 1 कब रहेगा, ये माइनस tan π/4, ठीक है, हम इसको ऐसा कर सकते हैं, tan y इज इक्वल टू माइनस tan π/4, तो tan इनवर्स है माइनस है ये, तो tan ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाता है, माइनस tan एक्स, ऐसा क्यों होता है ये देखिए, tan ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस एक्स अपॉन कॉस ऑफ माइनस एक्स, बराबर है, फिर साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स एंड कॉस इन कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स, तो ये माइनस टेन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसके आधार पर हम माइनस टेन एक्स लेंगे इसको, ठीक है, तो टेन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन एक्स, ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी, तो इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, दिस इज टेन माइनस पाई बाय फोर, तो
equal to 10 minus pi by 4. Therefore, y is equal to minus pi by 4. अब ये जो वैल्यू है तुम्हारे प्रिंसिपल के प्रिंसिपल वैल्यूज के अंदर आती है या नहीं, देखो tan इनवर्स का क्या है, देखो इट इज माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ओपन इंटरवल है माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ठीक है। तो इसके अंदर वो वैल्यू है इसलिए ये जो है प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू इज माइनस पाई बाई फोर, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। फिर हम देखेंगे सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन है sec इनवर्स 2/√3, sec इनवर्स 2/√3, ये देखो क्वेश्चन sec इनवर्स 2/√3। तो लेट y इज इक्वल टू sec इनवर्स 2/√3, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, sec को इधर ले लेंगे, sec y इज इक्वल टू 2/√3। तो इस पर से हम cos y भी बना सकते, cos y इज इक्वल टू √3/2, राइट। तो cos y ये हो गया, अभी y इज इक्वल टू हाउ मच, cos y √3/2, तो cos y इज इक्वल टू cos की √3/2 वैल्यू कब आती है, तो cos की √3/2 sin की √3/2 60 पे आती है, तो इसकी 30 पे आएगी, ठीक है। तो cos of 30 मतलब pi by 6, y is equal to pi by 6। तो इसका जो है प्रिंसिपल वैल्यू क्या है वो देखेंगे हम, प्रिंसिपल वैल्यू है sec इनवर्स की 0 टू pi माइनस pi by 2, 0 टू pi माइनस pi by 2। तो पाई बाई टू में से ये तो भाई पाई बाई सिक्स है, ये जीरो टू पाई बाई टू में होते, देयरफॉर पाई बाई सिक्स इज प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है cot इनवर्स √3, cot इनवर्स √3, लेट y इज इक्वल टू cot इनवर्स √3, ठीक है। तो cot को इधर ले लीजिए, cot y इज इक्वल टू √3, तो हम इसको cot y इज इक्वल टू cot y बोले तो क्या हो गया, tan y 1/√3, tan y 1/√3 मतलब क्या हो गया, 30 डिग्री है ना, pi by 6, तो cot हो जाएगा pi by 6, cot pi by 6, राइट, cot pi by 6, तो cot pi by 6 हो गया, तो y is equal to pi by 6। तो इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या है वो देखेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू है cot की 0 pi, ओपन इंटरवल 0 pi, तो उसके बीच में है क्या, देखो है, तो pi by 6 इज प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू अगर सर में। तो ये हो गया सेवंथ क्वेश्चन। इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये
cosec inverse, ये कुछ क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन किया है आप लोगों ने, जो भी नहीं किया है वो कर लीजिए, ठीक है। तो अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द सेकंड, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें का क्वेश्चन नंबर 11, 11 है टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस हाफ, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स, साइन इनवर्स माइनस हाफ, तो ये हो गई वैल्यूज, है ना। फिर हम क्या करेंगे, अभी देखो इसकी वैल्यू लिखेंगे, टेन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आती है, 5/4, ठीक है। कॉस इनवर्स अगर निगेटिव है तो आपको क्या करना पड़ता है, पाई माइनस करना पड़ता है ना। कॉस इनवर्स अगर निगेटिव है तो ये आपको एक बार बता देता हूँ मैं, पाई माइनस और हाफ की वैल्यू कॉस पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 जो है हाफ है पाई बाई 3, प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ है, तो हाफ कब रहता है 30 डिग्री पर, तो पाई निगेटिव हो जाएगा, माइनस पाई बाय 6, तो ये आ गया पाई बाय 4, कॉस ऑफ पाई बाय 3, तो पाई माइनस 2π/3, 2π/3 माइनस पाई बाय 6, तो इसका डिनोमिनेटर हो गया 6 भी नहीं होता है, 12 डिनोमिनेटर, यहां से इसको डिवाइड किया तो 3 3π, प्लस 3 से डिवाइड किया तो 4 8π, माइनस 6 से डिवाइड कर तो 2π, तो 3π और 8 11π, 11π माइनस 9π/12, तो 9π/12 मतलब 3π/4, ठीक है, तो 3π/4 ये हो गया इसका आंसर, तो ये क्वेश्चन हो गया 3π/4। तो इस तरह से ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये कैसे आ गया फिर से एक बार बताता हूँ मैं, ये कैसे आता है। तो अभी देखो ये आ गया बराबर, अभी एक एक वैल्यू निकालेंगे आप, इसकी और इसकी वैल्यू, आपको ये प्रॉब्लम आ गया होगा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो है ऐसा भी ले सकते, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स साइन, ठीक है, तो इस तरह से इसको लिया है हमने, कॉस इनवर्स माइनस पाई, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ओके, इसके हिसाब से इसको सॉल्व किया। मैं कुछ आइडेंटिटी बता देता हूँ फिर वो और जल्दी समझ में आ जाएगा आपको, ये ऐसा साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, इसको कभी भी लेना माइनस साइन इनवर्स एक्स, बाद में टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो इसको लेना माइनस टेन इनवर्स एक्स, उसके बाद कोसेक, कोसेक माइनस एक्स, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स भी तो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स ऐसा लेना, तो इससे क्या होता है ना आपको जल्दी समझ में, साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन हो जाता है, टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स, कोस इनवर्स माइनस एक्स माइनस कोस इनवर्स। अभी दूसरा देखेंगे ना, साइन की जगह कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स ये जो है कैसा लेना है इसको, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स ऐसा लेना, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, बाद में कॉट इनवर्स माइनस एक्स, इसको पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है, और कोसेक इन, कोसेक नहीं, सेक इनवर्स, सेक इनवर्स एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू
पाई माइनस सेक इनवर्स, इस तरह से इसको यूज करना था, तभी आपको क्या है जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं लिया ही। ठीक है, अभी और एक एग्जांपल लेंगे। हाँ, कॉस इनवर्स, सेकंड क्वेश्चन, कॉस मतलब 12वां क्वेश्चन है ये, कॉस इनवर्स हाफ प्लस टू साइन इनवर्स हाफ, कॉस इनवर्स हाफ प्लस टू साइन इनवर्स हाफ, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो हम डायरेक्ट ले सकते हैं कॉस इनवर्स हाफ, तो ये हाफ जो वैल्यू है कॉस इनवर्स की बोल रहे हो, तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री, पाई बाई थ्री प्लस टू साइन इनवर्स हाफ, ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री, तो पाई बाय सिक्स, तो पाई बाय थ्री प्लस ये थ्री आ गया पाई बाय थ्री, तो ये हो गया टू पाई बाय थ्री, आ गया समझे? तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 2.1 करना है आपको, है ना? तो इस तरह से ये एग्जांपल हो गए। हम जो है अभी नेक्स्ट पीरियड में कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे। ओके, थैंक यू।